हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टेप बाय स्टेप स्टडी। और मैं हूँ स्वाति, आपके साथ लेकर आई हूँ आज करंट अफेयर्स का सेशन। सो जैसे कि आप सभी ने डिमांड किया था टेलीग्राम चैनल पे कि आप जो है डिटेल में भी करंट अफेयर्स कराएं हमें, तो वहाँ पर आप हमारा करंट अफेयर्स का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी को सर्च करके। उसमें मैं डेली क्विजेज लेती हूँ, जितना भी न्यूज़पेपर का डेली इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस उसमें से बन रहे होते हैं, आई टेक दैट। ओके, सो आज से जो है हम एक नया शुरू करने जा रहे हैं पार्ट, दैट इज़ योर करंट अफेयर सेशन, जो कि मैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए गेट रेडी, पढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज़ पे, दैट इज़ पीएम मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पीएम मोदी जो हैं उन्होंने एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये मिशन है क्या। सो, ये मैंने एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग है जो आप लोगों के लिए पहले ही पेस्ट कर दी है यहाँ पर, तो आप पढ़ सकते हैं कि दैट ऑल द सिटीजन्स विल गेट अ डिजिटल हेल्थ आईडी एज सेड बाय पीएम। ओके, सो पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉन्च कब हुआ था ये, दे आस्क यू इन द करंट अफेयर सेशन, तो आपको याद रखना है कि ये लॉन्च हुआ था मंडे सितंबर 27, 2021। अब ये लॉन्च किसके अंडर हुआ था, तो इट इज़ लॉन्च अंडर PMDHM। तो दे कैन आस्क यू कि जो हमारी PM, ये जो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जो हमें प्रोवाइड हुए हैं, ये किसके अंडर लॉन्च हुए हैं, तो इट दे आर लॉन्च अंडर PMDHM, दैट इज़ प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। ये आपकी फुल फॉर्म है PMDHM की। तो ये जो जब ये लॉन्च हुआ, ये कंसाइड करा आपके NHA के साथ, जब हमारे NHA दैट इज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जब उसने ABPMJ मिशन लॉन्च किया था, तभी हमारा ये जो लॉन्च हुआ है। ऑल राइट, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा PMDHM जो है आपकी लॉन्च हुई है जिस दिन, उसी दिन हमारा ABPMJ स्कीम भी लॉन्च हुई थी। तो ये ABPMJ क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑल राइट, तो ये जो आपकी स्कीम है, इस साल इसने तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, तो ये हमारा PMDHM के साथ कंसाइड करा है। सो ये जो हमारी PMDHM स्कीम है, बेसिकली इसकी घोषणा हमारे PM ने कब करी थी, 15th ऑफ अगस्त 2020 को इसकी घोषणा कर दी थी फ्रॉम द रेड फोर्ट दिल्ली। तो है क्या, बेसिकली जब इन्होंने घोषणा करी थी लास्ट ईयर 15 अगस्त को, तब से लेकर अब तक 1 लाख यूनिक आईडीज जो है वो दी गई हैं अंडर डिजिटल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और इनिशियली जो है ये 6 स्टेट्स को इसने कवर अप किया था और यूनियन टेरिटरीज़ को पायलट बेसिस पे ऑन 15th अगस्त 2020। बट ये जो आप लॉन्च हुआ है, बेसिकली जो एक फाइनल अनाउंसमेंट जो मार्केट में आया है, वो कब आया है आपको बता दूँ मैं, सो दैट इज़ 27th सेप्टेम्बर 2021। चलिए, की कंपोनेंट्स क्या हैं आपके PMDHM के, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि PMDHM एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इसमें सभी यूज़र्स को, जितने भी सिटीज़न हैं हमारे इंडिया के, उनको एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा 14 डिजिट का। जैसे कि हम सबके पास एक आधार कार्ड है, राइट, तो वो एक हमारा यूनिक आधार कार्ड नंबर है सबके पास, जिसमें हमारी आधार डिटेल्स होती हैं, सारी डिटेल्स होती हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो वो हमारे पास आधार कार्ड होता है और सभी का है। इसी तरीके से हमें एक हेल्थ आईडी दी जाएगी जो सभी की यूनिक होगी, 14 डिजिट की वो हेल्थ आईडी होगी, ठीक है। वो है क्या, बेसिकली हेल्थ आईडी 14 डिजिट हेल्थ आइडेंटिफिकेशन फॉर एवरी सिटीजन दैट विल वर्क एज देयर हेल्थ अकाउंट। तो ये जो है हर सिटीज़न के हेल्थ अकाउंट के तरह काम करेगा। इसमें होगा क्या, इस जैसे कि आपके आधार कार्ड को हम कहीं भी दिखाएंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स निकल के आ जाएंगी, इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक के साथ लिंक्ड होता है, आजकल आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होता है, तो सिर्फ एक आधार नंबर से ही आप उस इंडिविजुअल की काफ़ी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये जो आपका हेल्थ कार्ड है, इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, कितनी आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्या बीमारी हैं, कब से बीमारी हैं,
कितने डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो ये सब का रिकॉर्ड इस यूनिक हेल्थ आईडी में, जो कि 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपके पास, उस तरीके के कार्ड में आपका सेव्ड होगा, ठीक है। अब ये करेगा क्या, इट विल एनेबल लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेस एंड एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल कि आप बार बार हर जगह तो अपना रिकॉर्ड लेके जा नहीं सकते ना, आपने सिटी चेंज करी, आप अभी दिल्ली में रहते हो, नेक्स्ट टाइम आप बॉम्बे में शिफ्ट हो गए हो, तो आपके पास ये जब ये आईडी कार्ड होगा तो सिंपली क्या करना है, डॉक्टर जो होगा वो ऐप के थ्रू आपका ये नंबर जो है उसको स्कैन करेगा, वो आईडी कार्ड जो होगा उसके थ्रू ही आपकी पेमेंट्स होंगी, उस आईडी कार्ड से ही जो दूसरा डॉक्टर है, दूसरे स्टेट का डॉक्टर है, वो आपकी हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, राइट। अगर आप इंटर स्टेट मूव कर रहे हैं तो, एंड आपके पास आपके रिकॉर्ड्स नहीं है, आप भूल जाते हैं कि आपकी कौन सी कहाँ से ट्रीटमेंट है, तो वो सब उस यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड में मेंटेन होगा। दूसरा क्या होगा कि मान लो आपकी रिपोर्ट्स या फिर आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपका डाटा है, एक डॉक्टर को शेयर करना है जो डॉक्टर दूसरे सिटी में बैठा हुआ है, राइट। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपका एक डॉक्टर है एम्स का, और उसको शेयर करना है आपका डाटा मुंबई में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में। सो ये जो आपकी यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड जो आपको मिला हुआ है 14 डिजिट का, तो ये क्या करेंगे वहाँ पर उस ऐप के थ्रू, ये आपका 14 डिजिट का आईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पर डालेंगे, और उस डॉक्टर के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन, हेल्थ रिकॉर्ड, हिस्ट्री, आपकी मेडिसिन, सब कुछ वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके का ये यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड है। ऑल राइट, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस आईडी कार्ड के बारे में कि ये आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारा आधार कार्ड बना था तो हमें क्या चाहिए था, हमारी बेसिक डिटेल्स, राइट। तो सिमिलरली आपका हेल्थ आईडी कार्ड जब बनेगा तो भी हमें अपनी बेसिक डिटेल्स ही देनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, ये सब, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और हो सकता है आपको आधार नंबर भी आपका देना पड़े। मैं तो बोलती हूँ ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि क्या होगा इससे कि जितने भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फ़ायदा क्या है इसका, अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले और चीज़ें पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। तो क्या होगा इसमें कि बनेगा ये कैसे, सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल और मोबाइल नंबर से, और दे कैन टेक योर आधार नंबर। सेकेंड थिंग, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो हर चीज़ डिजिटली लिंक हो चुकी है। आधार कार्ड से आपका जो है अकाउंट भी लिंक था, आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर भी लिंक है, सिमिलरली आधार नंबर से आपकी हेल्थ आईडी भी लिंक हो जाएगी। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका आधार नंबर एक ऐसा नंबर होगा कि इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल जितनी भी है वो सब एक जगह स्टोर्ड होंगी। देन सेकेंड पॉइंट बोलता है आपका कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी लिंक्ड एंड व्यूड विद द मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये देखिए, जिस इंडिविजुअल का जो भी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देखा जा सकता है। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन देखकर आस्क यू कौन कौन सी, तो पहली है आपकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, दैट इज़ HPR ऐप। दूसरी है हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्रीज, दैट इज़ HFR। तो ये याद रखना है आपको, फुल फॉर्म ऑल्सो दे कैन आस्क यू कि कौन कौन सी ऐप के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स को, आपकी मेडिकल डिटेल्स को। तो ये है आपकी HPR एंड HFR, इसके थ्रू ही हमारा जो आपका मेडिकल कार्ड है वो एक्सेस हो सकता है। देन हेल्थ आईडी अंडर NHDM, जो हेल्थ आईडी आपको मिलेगी, जैसे कि आधार कार्ड मिला था तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा था उसके लिए, राइट। तो सिमिलरली आपका जो हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, वॉलंटरी बनेगा, मतलब अगर आपको इच्छा है तो आप अपनी डिटेल्स दें, अपनी बीमारी के बारे में बताएं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम है और आप दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, आप उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहते, उस कार्ड में नहीं डलवाना चाहते, तो इट इज़ वेरी ऑप्शनल फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए वो वॉलंटरी है। आप उसको क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो कि नहीं, वी डोंट वांट दिस, ओके। सो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, और वॉलेंटरी भी है।
इससे होगा क्या? तो नीचे हैं आपके बेनिफिट्स कि आप बोलोगे कि हम इस हेल्थ आईडी कार्ड का फ़ायदा क्या है हमें, तो फ़ायदा आपको इस तब पता चलेगा जब ये एक लार्ज प्लेटफॉर्म पे जब ये चीज़ लॉन्च हो चुकी है। तो होगा क्या इससे? बेटर प्लानिंग, बजटिंग, इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्टेट एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सी अब सबके पास अपना एक 14 डिजिट का एक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसमें आप सभी की हेल्थ डिटेल्स हैं, हेल्थ रिकॉर्ड है। प्लस उसमें क्या होगा, जब भी किसी गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी होगी हेल्थ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आपका सो एंड सो 20 पीपल हैं यहाँ पर, ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 20 पीपल, 20 लोग हैं, 20 लोग अपनी अपनी डिटेल शेयर करते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये और इसको ये। हो सकता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इन फ्यूचर जब देखे कि हाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है लोगों को, तो वो कोई सब्सिडी दे दे या फिर उस प्रॉब्लम के लिए कुछ आपके टेस्ट हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको सस्ता करने में आपकी हेल्प कर सके। तो बजटिंग, दूसरी चीज़ बेटर प्लानिंग। प्लानिंग इसलिए कि किस सिटी में, फॉर एग्जांपल एक सिटी में हम वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है कि इस सिटी में पॉल्यूशन के कारण आपकी हार्ट के डिसीजेस, लंग्स के डिसीजेस ज़्यादा कॉमन है, तो वहाँ पर वो क्या करेगी, अपना ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा करवाएगी, हार्ट के लिए चेकअप ज़्यादा करवाएगी, फ्री कैंप्स जो है वो लॉन्च करेगी, प्लस वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगी उस स्टेट में जो वहाँ के सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल होगी। देन दे विल ऑर्गेनाइज हेल्थ प्रोग्राम्स ऑल्सो। अब मान लीजिए कि एक जगह पे उस हेल्थ आईडी कार्ड में आपने दिखाया कि एक स्टेट में फॉर एग्जांपल कोई निपा वायरस ही फैल गया है, तो वहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी ताकि जो फ्री मेडिसिन हो या फिर कुछ फ्री टेस्टिंग हो वो सब हो सके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना बेनिफिशियल है ये जो मोदी जी ये जो लेके आ रहे हैं ये आईडी कार्ड, हेल्थ आईडी कार्ड। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी अब इसमें एक बेनिफिट और है, मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है या फिर अभी तक रिसर्च नहीं हो रही है उस प्रॉब्लम पे, तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारा जब वो चीज़ नोटिस में आए गवर्नमेंट के, तो मे बी कि वहाँ पर वो साइंटिस्ट को या फिर डॉक्टर्स को ज़्यादा फंडिंग करे रिसर्च की फील्ड में कि आप इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करिए और उसका एक बेटर ट्रीटमेंट भी जो है वो निकाल सके। अब कोविड आया था, कोविड का किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो कोविड के लिए कितनी फंडिंग दी गई होगी रिसर्च लैबोरेटरीज़ में, तो आपको भी पता है WHO को काफ़ी फंडिंग मिली होगी ताकि जो है वो इसका एक तोड़ निकाल सकें। तो सिमिलरली आपका ये जो हेल्थ आईडी कार्ड है ये परमिट करेगा कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम या बीमारी किसी को है जो कि अनडिटेक्टेड रह गई है, उस फील्ड में रिसर्च नहीं हुई है, तो उस फील्ड में रिसर्च वर्क भी हमारी गवर्नमेंट जो है आगे लेवल पे बढ़ाएगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आर मोदी गवर्नमेंट, सो अप्लॉड्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज़ स्वाति, आई विल कम विद अनदर सेशन टुडे, दैट इज़ योर MCQ सेशन, दो आई हैव टेकन दैट MCQ सेशन ऑन आर चैनल, दैट इज़ स्टेप बाई स्टेप स्टडी। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे Not in capital letters, in small letters, you'll get our channel. आप वहाँ पर join करो, plus आप रोज़ की daily quizzes मैं वहाँ पर देती हूँ, plus current affairs जितने भी हैं वो सब होते हैं वो आप attend कर सकते हैं। Till then, take care, stay home, stay safe. I hope सब vaccinated हो ही गए होंगे, तब तक के लिए good luck.